गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे। सेंस ऑर्गन में मेरा ईयर पार्ट चल रहा था। ईयर का फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज हम आप लोगों के सामने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सेंस ऑर्गन का ईयर का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। देखिए इसमें कौन सा पढ़ना है, हम लोग इसमें इनर लेयर इनर ईयर के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी इनर ईयर। ओके, इनर ईयर, इनर ईयर इज आल्सो नोन एज लेबरिंथ, कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। मेन फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर आर हियरिंग एंड बैलेंस। इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बॉनी लेबरिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। तो ये जो कह रहा है कि हमारा जो इनर लेयर है, इनर ईयर है, वो क्या चीज है? वो लेबरिंथ है। लेबरिंथ दैट मीन्स ये एक प्रकार का भंवर जाल है। हमारा ये जो ईयर है वो भंवर जाल के रूप में है, जो क्या करता है, ऑर्गन्स कौन कौन सा ऑर्गन रखता है, कंप्राइजेस ऑर्गन रखता है कौन कौन सा, एक सुनने का और एक बॉडी बैलेंस का, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, एक सुनने का और एक बैलेंसिंग बनाने का। हम लोग फर्स्ट लेक्चर से समझते या पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो ईयर है वो क्या काम कर रहा है, सुनने के साथ साथ हमारा जो बॉडी बैलेंसिंग का है वो क्रिया बता रहा है। तो हम लोग तो सुनने का सब जान रहे हैं, बट बॉडी बैलेंस कैसे कर रहा है वो आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसमें कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर्स आर हियरिंग एंड बैलेंस। मेन काम क्या है? सुनने का और शरीर का संतुलन बनाने का। इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बॉनी लेबरिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। हमारा जो आंतरिक जो कान है वो क्या करता है, इसमें दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं या दो संरचनाएं होती है। कौन कौन सी? एक बॉनी लेबरिंथ, एक मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। फर्स्ट बॉनी लेबरिंथ एक और सेकेंड मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। ठीक है, बॉनी दैट मीन्स हड्डी टाइप की बात कर रहा है, हड्डी का भंवर जाल है। मेम्ब्रेनियस दैट मींस वो झिल्ली टाइप का झिल्ली है। ठीक है, झिल्ली का भंवर जाल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बॉनी लेबरिंथ के बारे में। ओके, बॉनी लेबरिंथ इट इज अ कैविटी प्रेजेंट विद द टेम्पोरल बोन व्हिच इज लाइन बाय पेरियोस्टियम। ए लेयर ऑफ वाटरी फ्लूइड नोन एज पेरिलिम इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉनी एंड मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। इसमें दो संरचनाएं पाई जाती है, बॉनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। तो हम लोग देख रहे हैं बॉनी लेबरिंथ। बॉनी लेबरिंथ क्या कह रहा है कि ये क्या है, एक कैविटी है, एक गुहा है। ठीक है, जो कहा प्रेजेंट विद द टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन के साथ होता है। यह क्या चीज होता है, इसमें लाइंड होता है, पेरिस्टियम भरा होता है, जो कि पेरिस्टियम के साथ भरा होता है। अब क्या कह रहा है कि लेयर ऑफ वाटरी फ्लूइड दैट मींस पानी जैसा तरल पदार्थ लेके चल रहा है। पेरिलिम्प इज वाटरी, जिसको कि हम लोग पेरिलिम्प कहते हैं, वो क्या होता है, प्रेजेंट किसके और किसके बीच में होता है, प्रेजेंट बिटवीन बॉनी एंड मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। ये जो हमारा है दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि पेरिलिम्प जो होता है, पेरिलिम्प जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन बॉनी एंड मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ के बीच उपस्थित होता है। पेरिलिम्प जो होता है वो उपस्थित होता है, कहाँ होता है, पेरिलिम्प जो होता है वो मेम्ब्रेनियस और बॉनी लेबरिंथ के बीच उपस्थित होता है। बॉनी और मेम्ब्रेनियस के बीच उपस्थित होता है वो होता है पेरिलिम्प होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। इंडोलिम्प की बात की जा रही है, यहाँ पे पेरिलिम्प की हो गई, अब सेकेंड है इंडोलिम्प। इट इज अ सिमिलर वाटरी फ्लूइड इज प्रेजेंट विद द मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है कि मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ में जो तरल पदार्थ होता है, जो मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ में जो तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग इंडोलिम्फ कहते हैं। ओके, मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ में जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, इंडोलिम्फ कहते हैं। पेरिलिम्फ कहाँ होता है, पेरिलिम्फ कहाँ उपस्थित होता है, मेम्ब्रेनियस और बॉनी लेबरिंथ के बीच उपस्थित होता है। इंडोलिम्फ कहाँ उपस्थित होता है, तो मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ में उपस्थित होता है। ओके, अब आगे देखते हैं।
बॉनी लेबरिंथ इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। बॉनी लेबरिंथ जो है वो कैसे बना होता है, हम लोगों ने देखा कि ईयर इनर ईयर में कौन कौन से भाग होते हैं, बॉनी और मेम्ब्रेनियस। अब हमने देखा इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ देखा, अब हम लोग देखेंगे बॉनी लेबरिंथ जो है हमारा वो कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज बनके मिलके वो बना हुआ है। ओके, तो सबसे पहला आता है वेस्टिब्यूल, कोक्लिया और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। हमारा जो बॉनी लेबरिंथ है वो क्या चीज से बना हुआ है, वेस्टिब्यूल, कोक्लिया और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बना हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले वेस्टिब्यूल के बारे में, वेस्टिब्यूल के बारे में क्या बताया जा रहा है। इट इज द एक्सपेंडेड पार्ट प्रेजेंट नियर द मिडिल ईयर। दैट मीन्स ये क्या है, एक्सपेंडेड है, चौड़ा है, जो ये कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल ईयर के पास उपस्थित है। द लेटरल वॉल कंसिस्ट ऑफ ओवल एंड राउंड विंडो। दैट मीन्स इसका पार्श्व दीवार जो है वो कैसा है, ओवल, गोल एंड ओवल एंड राउंड, दैट मीन्स अंडा आकार का, और राउंड विंडो दैट मीन्स गोल नमा खिड़की। ओके, उस प्रकार से वो उपस्थित होता है वेस्टिब्यूल। ओके, वेस्टिब्यूल उस प्रकार का संरचना होता है। फिर हम लोग देखते हैं कोक्लिया के बारे में। इट अपीयर्स लाइक सेल ऑफ स्नेल। द बेस ऑफ कोक्लिया इज ब्रॉड एंड कंटिन्यूअस विद द वेस्टिब्यूल हैविंग नैरो एपेक्स। दैट मींस इसकी संरचना कैसे बता रहा जा रहा है, सेल ऑफ स्नेल, दैट मींस घोंगा जो होता है ना उसकी संरचना जो होती है ना वो इस प्रकार का, और ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसा होता है ना इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये थ्री सेमी सर्कुलर हो गया, ये कोक्लिया हो जाता है। ठीक है, और इसी में ऐसा आता है वेस्टिब्यूल यहाँ पे इस प्रकार का। ओके, ऐसा संरचना होता है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि कोक्लिया जो है वो लाइक स्नेल होता है। ठीक है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, दीज आर द थ्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन सच मैनर दैट ईच ट्यूब लाइज इन द पर्टिकुलर प्लेन ऑफ स्पेस। ये इस प्रकार का थ्री सेमी सर्कुलर, थ्री सेमी सर्कुलर दैट मीन्स तीन सेमी, दैट मीन्स अर्ध, अर्ध होता है, और सर्कुलर दैट मीन्स गोलाकार, दैट मीन्स अर्ध गोलाकार होता है। ठीक है, थ्री अर्ध गोलाकार संरचना टाइप की होती है। ओके, ये बताया जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं वेस्ट, जो हमारा जो हेयरिंग का जो नर्व है, हेयरिंग का जो नर्व है वो कौन सा है, हम लोग सुनने की जो क्रिया होती है वो कौन से नर्व के द्वारा होती है, तो वो एर्थ क्रेनियम नर्व के द्वारा होती है। वो एर्थ क्रेनियम नर्व के कितने पार्ट है, दो पार्ट होते हैं, एर्थ क्रेनियम नर्व के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं वेस्टिब्यूलर एंड कोक्लियर, वेस्टिब्यूलर एंड कोक्लियर। कोक्लियर जो है वो क्या चीज का हिस्सा, पार्ट ऑफ हियरिंग का हिस्सा है। दैट मीन्स हमसे अगर कोई पूछा जाए कि सुनने में कौन सा नर्व, कौन सा पार्ट है जो कि सपोर्ट करता है या फिर हेल्प करता है, तो वो कोक्लियर जो है वो सुनने के लिए होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी नुकसान हो जाए तो डीफनेस दैट मीन्स बहरापन की आशंकाएं बढ़ जाती है। ठीक है, कोक्लियर में कुछ भी अगर हो तो वैसा होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये नहीं देखा, जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि बॉनी लेबरिंथ में ये सब होता है, थ्री सेमी सर्कुलर, कोक्लियर और वेस्टिब्यूल, तो उसी प्रकार मेम्ब्रेनियस में भी होता है। मेम्ब्रेनियस में हम लोगों ने नहीं लिखा, मेम्ब्रेनियस में उसी प्रकार का संरचनाएं पाई जाती है जिस प्रकार बॉनी लेबरिंथ में संरचनाएं पाई गई ना, उसी प्रकार मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ में भी संरचनाएं वही पाई जाती है। बस उसमें क्या था कि उसमें पेरिलिम्फ भरा था, इसमें क्या भरा है, इंडोलिम्फ तरल पदार्थ है, वही भरा है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बॉनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ में। ओके, बॉनी लेबरिंथ में क्या था कि तीन संरचनाएं पाई जाती थी, कौन कौन सी, वेस्टिब्यूल, कोक्लिया और सेमी, थ्री सेमी सर्कुलर कैना। तो मेम्ब्रेनियस में भी वही संरचनाएं पाई जाती है, मेम्ब्रेनियस में भी वही संरचनाएं पाई जाती है, बस इसमें क्या था कि इसमें पेरिलिम्फ भरा था, इसमें इंडोलिम्फ भरा होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है
कि हमारा जो हियरिंग का जो नर्व है वो कौन सा है, एर्थ क्रेनियल नर्व है, उसके दो पार्ट होते हैं वेस्टिबुलर और कोक्लियर। कोक्लियर जो है वो सुनने का अंग है, कोक्लियर है पार्ट ऑफ हियरिंग, दैट मीन सुनने का वो भाग है। और फिर आगे क्या बता रहा है वेस्टिब्यूलर के बारे में, टेकिंग इम्पल्स फ्रॉम वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया, ये क्या करता है इम्पल्स को लेता है, आवेग को ग्रहण करता है, किससे वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया से इम्पल्स को ग्रहण करता है। वो ग्रहण कैसे करता है वो भी बताते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता था कि हियरिंग का फिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था, जो ऑडिटरी ऑसिकल्स था वो तीन था, मिलियस इनकस स्टेपिस था, ठीक है ना। तो वो क्या करता था कि हमारा जो साउंड तो बाहरी वातावरण में बहुत जोर का भी आता है, तो क्या था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा ईयर ड्रम के माध्यम से वो कहाँ जाता था ऑडिटरी ऑसिकल्स में जाता था। ऑडिटरी ऑसिकल्स एक तीन जो बोन था वो क्या करता था एक दूसरे से टकरा के मैकेनिकल साउंड जनरेट करता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को ब्रेन जो है वो मैकेनिकल साउंड नहीं सुनता है, उसको इलेक्ट्रिकल साउंड की जरूरत होती है। ओके, उसको इलेक्ट्रिकल साउंड की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता था कि यही जो हमारा जो आगे का है इनर पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल साउंड को इलेक्ट्रिकल साउंड में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल साउंड में कन्वर्ट करके वो क्या करता है कि एर्थ क्रेनियल नर्व कोक्लियर के माध्यम से ब्रेन को पहुंचता है, वहां से फिर रिफ्लेक्शन आता है तब हमें सुनाई देती है। उसी प्रकार ये है कि वेस्टिब्यूलर जो है वो हमको क्या करता है टेकिंग इम्पल्स फ्रॉम वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया, ठीक है, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया से इम्पल्स को ग्रहण करता है। फिर देखते हैं कि वेस्टिब्यूल और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल आर पार्ट ऑफ बॉडी बैलेंसिंग। जैसे हमारा ये जो हो रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेस्टिब्यूलर जो है वो वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया से इम्पल्स को ग्रहण करता है। और क्या करता है वेस्टिब्यूलर एंड थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल पार्ट ऑफ बॉडी बैलेंसिंग। तो हमारा क्या हो गया कि वेस्टिब्यूलर एंड थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल जो हो गया वो क्या चीज में आता काम आता है बॉडी बैलेंसिंग में, और कोक्लिया जो हो गया वो हमको पार्ट ऑफ हियरिंग है। तो बॉडी बैलेंसिंग का कैसे काम करता है, जैसे कि एर्थ क्रेनियल नर्व है और ये क्या है वेस्टिब्यूलर एंड थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें क्या होता है कि फ्लूड जो भरा होता है ना, फ्लूड भरा होता है वो क्या करता है कि जब भी हम कुछ हेड का मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि इसमें जो फ्लूड होता है ना वो इस प्रकार का रोटेशन होने लगता है। तो वही हमको बॉडी बैलेंसिंग का काम कराता है, ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग वही फ्लूड जो है वो तरफ घूमने लगता है, जिससे हमको वो अगर जोर का होने लगता है तो यही हमको बहुत जोर का घूमने लगता है। तो वही हमको वेस्टिब्यूलर और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल है जो कि हेल्प करता है हमको बॉडी बैलेंसिंग में, ठीक है। यही हमें इम्पल्स लेता है वेस्टिब्यूल से एंड कोक्लिया से, ओके। और ये हमको वैसे बॉडी बैलेंसिंग का काम कराता है। तो हम लोग फिर एक बार रिपीट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ईयर पढ़ा, ईयर में हम लोगों ने आउटर मिडल और इनर ईयर पढ़ा। इनर ईयर में हम लोगों ने देखा कि इसमें दो संरचनाएं पाई जाती है बॉनी और मेम्ब्रेनियस। बॉनी लेबरिंथ जो कि पेरिलिम्ब में भरा होता है और मेम्ब्रेनियस में इंडोलिम्ब भरा होता है। इसमें तीन संरचनाएं होती है वेस्टिब्यूल कोक्लिया और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। उसी प्रकार क्या होता है मेम्ब्रेनियस में भी उसी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, बट उसमें पेरिलिम्ब था, इसमें इंडोलिम्ब की भरा बात होती है, ठीक है। और हमारा जो हियरिंग का जो नर्व है वो कौन सा है एर्थ क्रेनियम नर्व है, और इसके दो पार्ट होते हैं वेस्टिब्यूलर और कोक्लिया। वेस्टिब्यूलर जो है और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो क्या काम करता है बॉडी बैलेंसिंग में काम देता है, और कोक्लिया जो है वो पार्ट ऑफ हियरिंग है, ओके। तो ये आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत लंबा है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।